नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जड़ या रूट्स क्या है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा रूट्स, जड़ जिसे मूल के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम देखें जड़ क्या है तो देखते हैं पहला पॉइंट है भूमिगत भाग, अर्थात भूमि के अंदर जाने वाला या रहने वाला भाग क्या कहलाता, भूमिगत भाग। इसके अलावा आहरित भाग, ये जो रूट्स होती हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करें, रूट्स का जो पार्ट्स होता है ये सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया उसमें भाग नहीं लेती, इस कारण ये जो भाग है आहरित होता है अर्थात हरित नहीं होता। जिस प्रकार पत्ती देखी होंगी आपने हरी होती हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जबकि जो रूट्स हैं ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। थर्ड पॉइंट देखते हैं पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है, भूमि पे, भूमि के नीचे होता है। यदि हम बात करें रूट्स की तो ये जो रूट्स हैं गुरुत्वानुवर्ती अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जाते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होती हैं, किसके, गुरुत्वानुवर्ती। फिर देखते हैं हम पॉजिटिव जलानुवर्ती, ये जो जड़ हैं जो जलानुवर्ती होती हैं, कहने का मतलब जल जो होता है भूमि के नीचे होता है और ये उसी ओर गति करती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव जलानुवर्ती होती हैं। यदि हम अगले नेक्स्ट देखें तो है माइनस प्रकाशानुवर्ती या निगेटिव प्रकाशानुवर्ती, कहने का मतलब ये जो रूट्स हैं ये प्रकाशानुवर्ती की विपरीत दिशा में गति करती है, अर्थात ये भूमिगत गति करती है नीचे की ओर, जबकि सूर्य का प्रकाश कहाँ पे होता है, सूर्य से आता है और ये उसके जस्ट अपोजिट गति करती है। समझेंगे आप, ये जो रूट्स हैं इस प्रकार नीचे की ओर गति करती हैं, भूमिगत गति करती हैं, जबकि सन ऑफ लाइट सूर्य का प्रकाश ऊपर से आते हैं, इसलिए ये क्या होंगी, प्रकाशानुवर्ती के निगेटिव होंगी। चलिए समझेंगे हम आगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट, एक जो संरचना देखते हैं, जो जड़ होती है, जड़ की संरचना में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से भाग, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। यदि हम एक रूट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हमें मुख्य रूप से एक चीज, एक पार्ट है जिसे मूल गोप या रूट कैप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मूल गोप या रूट कैप। ये जो रूट कैप, मूल गोप, ये क्या होता है, रूट से बाहर एक टिप की भांति क्या लटका हुआ होता है। जबकि यदि हम रूट्स में बात करें तो रूट्स के मुख्य तीन भाग होते हैं, फर्स्ट भाग होता है मेरिस्टमैटिक, सेकंड होता है दीर्घीकरण जिसे इलोंगेशन कहते हैं, इलोंगेशन, और जो थर्ड पार्ट होता है परिपक्वन जिसे मैचुरेशन कहा जाता है, मैचुरेशन। ये जो मेरिस्टमैटिक जो भाग है, ये देखिए ये फर्स्ट है मेरिस्टमैटिक भाग, दूसरा है एलोंगिनेशन या फिर दीर्घीकरण, और थर्ड भाग है मैचुरेशन या परिपक्व। यदि हम मेरिस्टमैटिक भाग की बात करें तो ये जो मेरिस्टमैटिक भाग होता है ये किस लिए होता है, ये रूट में, ये उसे क्या करता है, रूट की लंबाई को बढ़ा देता है, क्या करता है, रूट की लंबाई को बढ़ा देता है। जबकि सेकंड भाग एलोंगेशन की बात करें, दीर्घीकरण, ये जो दीर्घीकरण भाग है इसकी भी भूमिका यही होती है, रूट की लंबाई में सहायक होता है। अब यदि बात करें परिपक्वन, मैचुरेशन, तो मैचुरेशन जो भाग होता है ये क्या, विभाजन नहीं होता, इसमें विभाजन नहीं होता। और यदि हम बात करें एक रूट का स्ट्रक्चर, यदि हम किसी पार्ट देखा जाए रूट का, कौन सा भाग लें जिसमें रूट के सभी स्ट्रक्चर की बात करें, तो वह परिपक्वन भाग का अध्ययन किया जाता है रूट के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। यदि आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार रूट से कुछ आपको रूट हेयर या मूल रोम दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मूल रोम। यदि हम जड़ की बात करें तो देखिए जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट या यांत्रिक सहयोग करना, क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट करना, यांत्रिक सपोर्ट करना, मतलब प्लांट को सीधे साधे रखने या खड़े रखने। जबकि ये जो रूट हेयर होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण। यदि आपने कभी देखा होगा, जब कभी आप छोटे बचपन में क्या किए होंगे, जब आम या मैंगो के प्लांट पे ऐसा उखाड़ा होगा तो रट रट कुछ आवाज आती है, तो उस समय जो रूट है ये रूट नष्ट नहीं होती, बल्कि ये मूल रोम टूट जाते हैं, इस कारण से हल्की आवाज आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा कि ये रूट्स
ये है रूट्स, देखिए हम देखते हैं ये रूट्स है, और यदि हम बात करें ये इस प्रकार ये रूट्स कहां से निकलती भाई, मूलांकुर से। ये भूमि है, पृथ्वी है, मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर ये मूलांकुर भाग, मूलांकुर भाग से क्या निकलती हैं, इस प्रकार ये रूट्स निकलती हैं, और रूट से इस प्रकार रोम हेयर निकलती हैं। यदि हम बात करें, यदि इसे हम प्राइमरी रूट कहा जाए, ये जो सीधी मूल रूम से एक लंबी जड़ निकलती है इसे यदि हम प्राइमरी रूट कहा जाए, तो इससे भी बहुत सारे इस प्रकार से रूटें निकलती हैं। मान लीजिए ये इसे सेकेंडरी रूट कहा जाता है, और इससे भी ये देखिए आप ये टर्सरी, ये टर्सरी इस प्रकार से रूट निकलती है। तो ये हुई प्राइमरी रूट, इससे निकलने वाली ये हुई सेकेंडरी रूट, और इससे भी निकलने वाली रूट्स क्या हुई, टर्सरी रूट। ठीक इसी प्रकार ये आपकी प्राइमरी रूट्स, ये दिखाई देता होगा, और ये है सेकेंडरी रूट्स, ये देखिए ये सेकेंडरी रूट, और फिर यही सेकेंडरी रूट से इस प्रकार निकली है, ये टर्सरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है टाइप ऑफ रूट्स, हम बात करेंगे जड़ों या मूलों के प्रकार। मैंने जैसे बताया वीडियो के फर्स्ट में ही कि जड़ को ही मूल के नाम से जाना जाता, ठीक है, जड़ को ही मूल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं जड़ों के प्रकार या मूलों के प्रकार। तो यदि हम बात करें तो जड़ों के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है टैप रूट जिसे मूसला जड़ कहा जाता है, और दूसरा होता है रवांटिटियस रूट जिसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। पर अभी हम यहाँ पे तीन प्रकार के रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है टेप रूट जिसे मूसला जड़ के नाम से जाना जाता है, सेकेंड है फाइब्रस रूट जिसे झकड़ा, क्या झकड़ा या रेशेदार जड़ के नाम से जाना जाता है, और थर्ड है एडवांटिशियल या अपस्थानिक जड़। क्या है तीसरा, अपस्थानिक जड़। चलिए देखते हैं हम ये किस प्रकार की जड़ है। यदि आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये डायग्राम में देखेंगे आप, ये इसका क्या है भाई, मूलांकुर भाग है, क्या है रेडिकल, मूलांकुर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेडिकल। तो मूलांकुर भाग से एक सीधी, एक क्या सीधी इससे प्राइमरी प्राथमिक जड़ निकलती है, ये क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़, सॉरी मूसला जड़ या टेप रूट जो भूमि के काफी नीचे तक जाती है, और इससे फिर इस प्रकार ये क्या कहलाती है, रूट हेयर कहलाती है। देखिए यार यहाँ भी एक प्राइमरी रूट निकली है और काफी भूमि के नीचे गई है, भूमिगत होती हैं ये, काफी भूमि के नीचे तक होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, टैप रूट या मूसला जड़, क्या कहलाएंगी, टैप रूट या मूसला जड़। यहाँ भी यही स्थिति है कि ये क्या है, भूमि के काफी नीचे अंदर तक गई है, तो ये क्या कहलाएंगी, टैप रूट या मूसला जड़। जबकि हम बात करें फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ की बात करें तो ये क्या होती हैं, मूलांकुर से ही, क्या है मूलांकुर से ही बहुत सारी इस प्रकार से रेशेनुमा जड़ें निकलती हैं, ये क्या कहलाती हैं, फाइब्रस या रेशेदार या झकड़ा रूट कहलाती हैं। मतलब ये जो रूट्स होती हैं गुच्छेनुमा होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, गुच्छेनुमा आकृति बना लेती हैं, और मूलांकुर से ही बहुत सारे रूट्स निकलती हैं, ये क्या कहलाती हैं, फाइब्रस रूट्स या झकड़ा या रेशेदार जड़। अब चले नेक्स्ट रूट की ओर, तो नेक्स्ट रूट है हमारी थर्ड रूट, वह अपस्थानिक जड़। तो देखते हैं अपस्थानिक जड़, समझेंगे आप अपस्थानिक रूट्स क्या होती हैं। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, यदि आपने देखा होगा मक्का गन्ना वगैरह के जो इंटरनोड पर्व संधियों से भी कुछ जड़ें निकलती हैं और ये भूमिगत होती हैं। समझिए यहाँ पे मान लीजिए एक ये गन्ना या मक्का का प्लांट है, क्या है गन्ना या मक्का का प्लांट है, समझ लीजिए मक्का का प्लांट है, और यहाँ पे ये क्या होती हैं पर्व संधि, क्या होती हैं इंटरनोड होती हैं, इस प्रकार से बीच बीच में क्या होती हैं इंटरनोड होती हैं, और ये जो इनके बीच के भाग होता है ये क्या कहलाता है नोड या पर्व कहलाता है। अब समझ लीजिए ये एक गन्ना का प्लांट है, यहाँ से इस प्रकार जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है, ये अपस्थानिक जड़, या फिर यदि हम बात करें टेप रूट, तो गन्ना के प्लांट से एक टेप रूट तो नीचे तो जाएगी और ये सपोर्ट तो प्रदान करेगी, साथ ही कुछ रूट इसके इंटरनोड से इस प्रकार निकलती हैं और इसे भूमिगत होकर इसे क्या करती हैं यांत्रिक सहायता करती हैं सीधे खड़े रखने में
सहयोग प्रदान करती है। यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं तो वही स्थिति है कि इसके इंटरनोड से कुछ जड़ें निकली हैं और ये भूमिगत हो जाती हैं और उसे क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, सीधे खड़े रखने में मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भाई मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो अभी हम रूट्स पढ़ रहे हैं तो केवल जड़ों का रूपांतरण ही देखेंगे कि कौन कौन से भी प्लांट है जिनका जड़ों में रूपांतरण है। बाद में हम स्टेम देखेंगे, फिर कभी हम लीफ में बात करेंगे, इसके अलावा डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट पे भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों का रूपांतरण। यदि हम जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो यदि आपको दिखाई दे रहा होगा ये सलजम है। क्या है? सलजम। यदि आप देखे होंगे चुकंदर, मार्केट में देखे हो रेड कलर का होता है चुकंदर, और ये है कैरेट, ठीक है। क्या है? कैरेट। और ये भाई स्वीट पोटैटो, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, शकरकंद, ठीक है। क्या कहते हैं? शकरकंद, शकरकंद स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ये इनकी रूट से यदि आप देखेंगे तो ये किसके किसके रूपांतरण है, जड़ों के रूपांतरण है। किसके रूपांतरण है? जड़ों के रूपांतरण है। और यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको दिखाई देते होंगे ये कुछ उदाहरण हैं, ये स्टेम के रूपांतरण हैं, जैसे प्याज वगैरह हो गया, जिंजर, अदरक, आलू। हाँ, याद रखेंगे स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो शकरकंद जड़ का मॉडिफिकेशन है, जबकि पोटैटो स्टेम, आलू जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो एक चीज याद रखेंगे, देहाती ट्रिक बता रहा हूं मैं, देसी ट्रिक बता रहा हूं। जब कोई रूट या कोई ऐसी संरचना जो हिचक के नीचे भूमि के अंदर जाए, ठीक है, क्या देसी ट्रिक है, जब कोई ऐसी संरचना जो हिचक के, कहने का मतलब एकदम से इस प्रकार की संरचना बनाए, इस प्रकार की संरचना, ये सभी किसके रूपांतरण होंगे, ये सभी रूट के मॉडिफिकेशन होंगे। तो याद रखेंगे सलजम, कैरेट, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये किसके रूपांतरण भाई, ये हैं रूट के मॉडिफिकेशन, जबकि प्याज, आलू, जिंजर, ये किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम के। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।